पढ़ के आ गया हूँ इस टाइम, तो इस वजह से मैं लोग लेट शुरू कर रहा था। तो सुबह का मैं उठा हुआ था, मतलब आज छुट्टी के लिए स्कूल से, क्योंकि आज महफिल थी घर में, इस वजह से मैं छुट्टी की थी। तो महफिल की मैं वीडियो बना चुका यार, काम बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो इसके अलावा मैंने ना उसके बाद महफिल के बाद बाइक धो रही थी अपनी, तो बाइक बिल्कुल ओके करके मतलब ना फ्रेश कर दी थी बाइक मैंने मुकम्मल। तो उसके अलावा यार ना थोड़ा सा मसला हो गया, अगर आप ये जाली देख रहे हो ना, ये जाली मेरे पड़ी हुई थी पहले, तो मैंने वो लगवाई है, तो लगाई खुद ही बल्कि, और नंबर प्लेट भी चेंज की है खुद, और बाकी सारी फ्रेश की हुई बाइक। तो उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ यार, मसला ये हुआ कि मैंने सुबह बाइक अच्छी तरह धो के रख दी थी, मतलब ज़्यादा थी कोई, तो थोड़ी देर पहले बारिश हो गई यार। अब मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं, कि अब थोड़ी देर जाना फ़ोटोशूट करने, अब जाऊं कि ना जाऊं ये समझ नहीं लग रही है, लेकिन जाएंगे ज़रूरी है, मुझे पता है कि फ़ोटोशूट ज़रूर करने जाना है। तो जगह का मुझे पता है कि चल दो जगह है, तीन जगह बल्कि, उनमें से देखेंगे कौन सी जगह पर जाएंगे फ़ोटोशूट करने। तो अभी तो जुमा पढ़ के आया, तो जा घर खाना खाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है ना। तो जी खाना वगैरह खा के आ गया था, तो हेलमेट भी नीचे ले आया हूँ मैं, तो हेलमेट आपको अब दिखाता हूँ। तो हेलमेट का स्टैंड उसने था ना पहले नीचे करके लगाया हुआ था, लेकिन अब मैंने सोचा यार अब सीधा ही करके लगाना है, कोई मतलब नहीं खराब, क्योंकि पिछली बार यार वीडियो थोड़ी ख़राब होनी थी, तो इस बार कोई पंगा नहीं लेना है। और मैंने मोबाइल का न्यू कवर भी लिया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कवर, ठीक है ना। आके पहले जाके ना वीडियो बना के आते हैं, फोटोशूट वगैरह करके आते हैं, तो आपको सीधा हेलमेट लगा के मिलता हूँ। ओके तो जी हेलमेट वगैरह पहन लिया, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब आपको सही व्यू आएगा। हाँ ये रश भी है, क्योंकि ना अगले जुम्मे 12 भी लेवल है, इस वजह से आज जुलूस वगैरह बहुत निकल रहे हैं। तो डिसाइड तो हो गया हमारा कि हमने जाना है यहाँ से जनाब बाग, वहाँ जाकर फोटोशूट करना है। अभी देखते हैं, कह रहे हैं कन्फर्म नहीं है, क्योंकि रास्ते में वार्डन वाले बहुत मिलने हैं, ये ना हो फिर से कोई पंगा कट जाए, इस वजह से ना ध्यान से पीछे पीछे से निकलेंगे। यार मैंने वीडियो बना के अपलोड तो कर दी, लेकिन ना मसला यही हुआ कि ना मसला यही था कि ना वो वीडियो नीचे बनी, वो सब ने मुझे यही कहा करते यार वीडियो नहीं सही बनी। मैंने कहा यार इस बारी कोई पंगा नहीं लेना है, सही तरह जैसे स्टैंड लगता है वैसे लगा के वीडियो बनाएंगे, वही इस बारी पंगा लेना है नीचे की बात है वो। यार मैंने ना स्टैंड एक और मंगवाना है, वो लगवाएंगे, अभी देखते हैं, मंगवाया नहीं है मैंने, वो महंगा ही पड़ा है, पैसे मेरे पास है नहीं इतने। और उसके अलावा यार इसका ना अगर किसी को सही बात है, किसी को अगर पता हो कि वाइट एंगल वीडियो कैसे बनती है आईफोन एक्स मैक्स में, तो यार मुझे ज़रूर बताना, मैंने शुरू करनी है, क्योंकि ना इस पर वाइट एंगल वीडियो नहीं बनी, जिसकी वजह से मीटर की वीडियो भी नहीं आ रही है सही तरह, इसी वजह से मैं उस दिन भी पंगा लिया था, लेकिन वो पंगा चला ही नहीं। तो इसी वजह से अगर किसी को पता है यार कमेंट में मुझे ज़रूर बता दे, या इंस्टाग्राम पे बता दे, क्योंकि इंस्टाग्राम की मेरी आइडिया है मियाँ शरोज वन, तो वहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझे बता दे आप, मैं फिर वहाँ से देख लूँगा। अगर किसी को मतलब किसी को यूट्यूब पे लगाई हुई तो वो भी मुझे बता दें, मैं वहाँ से फिर देख लूँगा। और उसके अलावा मेरे पास एक जैकेट थी मैंने आपको दिखाई थी कौन सी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल कर ली है, और अब मैंने न्यू जैकेट भी मंगवा ली है, कलर वही है, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा था, इधर इतना फ़र्क नहीं साइज़ में, लेकिन तकरीबन वही है साइज़, तो काफ़ी अच्छी है वो भी जैकेट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर आगे लोग में याद रहा मुझे तो। वैसे तो ना वो जैकेट मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मैंने सेल कर दी थी, और मुझे प्रॉफिट भी हुआ था थोड़ा सा, और जिस कस्टमर ने ली थी यार वो कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रावलपिंडी का रहने वाला था, तो उसने गिफ्ट की किसी को, तो उसने मुझे मंगवाई थी जैकेट। तो अगर किसी को भी चाहिए हो तो यार मेरा नंबर ना जो सा मतलब इंस्टाग्राम पे यार मुझसे सीधा पूछ लूँगा, आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, इसके बाद नंबर दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप मुझे वो जैकेट वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो उसके अलावा भी अब ना नए डिज़ाइन आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिस मैं भाई से लेके आया था ना, वो कह रहा था भाई और डिज़ाइन भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको चेक करवाऊँगा, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, और ये पूरा ट्रैक सूट होगा इस बारी,
तो वो भी चेक करवाऊंगा भाई, कह रहा मैं तस्वीरें भेज दूंगा लेकिन अभी तक भेजी नहीं है यार। अगर 2-3 हफ्ते लग जाएंगे तो जब आएंगे ना तो आपको चेक करवाऊंगा। एक मिनट यार, यहाँ खड़े हो गए ना, वॉइस क्वालिटी चेक कर लेंगे ना। मैं 2-3 दिन हो गए माइक नहीं चेक किया था, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जी वीडियो चेक कर ली है, मैं भी रुक के वीडियो चेक ही कर रहा था, सामने मुझे वार्डन वाले नज़र आ गए। मैंने कहा लो जी हाँ डॉल्फिन वाले भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि कोई मेरे ख्याल से ना मेरे ख्याल से मेन कोई बंदा है, इस वजह से कोई घूम रहे हैं। लेकिन वैसे भी यार ये ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हैं। मेरा ना किनार रोड भी जाने के, लेकिन यार किनार रोड बहुत दूर है और मेरे ख्याल से पेट्रोल भी नहीं होना इतना मेरे पास। तो वैसे भी आज तक मैं अकेला गया नहीं हूँ वहाँ पर। तो जनाब बस सही तरह पहुँच जाए, बस रास्ते में कोई वार्डन वाला ना मिल जाए यार, यही डर है। क्योंकि अगर कोई वार्डन वाला मिल गया ना तो मसला आ जाना, सारी वीडियो ख़राब मेरी हो जानी है, क्योंकि थोड़ा सा पंगा बढ़ जाता था। लेकिन मैं मुझे पता मैं ना चलान के पैसे तो ले गया, क्योंकि यार मुझे पता है चलान इतने का होना तो पैसे भी उतने ले गए। अब आप लोगों ने बताना वीडियो कैसी बनी, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना है। अब मीटर की बात है तो ऐसे नहीं जाऊँगा कर लिया, मीटर की वीडियो बन गया, अब ऊपर गया तो बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है ना। अब ऐसी वीडियो बनाया करनी अच्छी तरह, अगर वीडियो भी अच्छी बना करे। रास्ता दे दो, आज बाइकर्स के भी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा निकले होने, क्योंकि आज जुम्मा है ना तो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप निकलते हैं। मुझे मैसेज ही जाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं हूँ यार, रास्ते में ना पुलिस वगैरह का केस बन सकता है तो मैं जाता नहीं हूँ खुद ही, दिल भी नहीं मानता यार, क्योंकि ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से नुकसान कोई भी हो सकता है, इस वजह से मैं जाता ही नहीं। मैंने कहा यार इसे अच्छा घर में उन्हें इंजॉय करें। हाँ अगर कभी जाना पड़ा तो मैं वो भी व्लॉग बनाऊँगा, तो वो भी देखेंगे कैसा अलग बनेगा, क्योंकि मैं आज तक गया नहीं हूँ किसी ग्रुप वालों के साथ। सारे मुझे घूर के ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं क्या कर सकूँ। अगला मेरे ख्याल से चौंक आएगा, वहाँ से मोड़ता हूँ गाड़ी, तो वहाँ पर साधुली रोड पे जनाब आ गया। आज वैसे यार मुझे वार्डन वाले इतने नज़र नहीं आए, पता नहीं क्या समझ नहीं लगी आज, वरना हर जगह पे वार्डन वाले होते थे। ये जो सी रोड पे था ना, ये कचहरियाँ थी सारी पीछे, काफ़ी ज़्यादा आगे थी कचहरियाँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं, आप ये जरा व्यू चेक करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये सारे यहाँ पर पौधे वगैरह सील करते हैं। सामने जनाब आ गई है गुलेरी की, तो ये सामने जनाब आ गए, लेकिन अंदर नहीं जाना यार, अंदर भी टाइम लग जाता है। हमने फ़ोटो शूट करना है वो वाली साइड, बल्कि ये वाली साइड पर करना। हाँ याद आ गया यार, कहाँ से गए, एक जेन में आइडिया आ गया। गाड़ियाँ बहुत है, रश ही बहुत ज़्यादा, अब फोटो शूट करते हैं। तो जी फोटो शूट कर लिया, अभी चाबी घुमाते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، جمالنا
तो जी जैसा कि हमने देखा कि यार आज हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, फ़ोटो शूट करके मोटर व्लॉगिंग की और घर वापस आ गए थे। तो बाकी आज इतना कुछ किया नहीं, मतलब शाम हो गई थी तो मैंने कहा यार व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ना हमने ये वाला कवर लिया, ठीक है ना, नवा विरसाची का मेरे ख्याल से। तो ये कवर लिया ने एक्समैक्स का, मेरा एक और जो है ना कवर लेने का, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, तो वो भी लेंगे, देखेंगे शायद मेरे ख्याल से वो भी लेंगे। तो उसके अलावा अभी दोस्त के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा लोगों को ना एंड कर देते हैं। तो उसके अलावा मैंने सोचा कि ना अब शायद नारायणगढ़ का टूर हमारा हो जाए, शायद कन्फर्म नहीं है, तो शायद अगर हुआ तो फिर वहाँ डेली ब्लॉगिंग करूँगा, तो मोटर ब्लॉगिंग भी साथ ही करूँगा, और जाना भी हमने बाइक पे ही है। तो ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे नई से नई वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।